ऊटी साउथ इंडिया का शायद सबसे बॉलीवुड फेमस हिल स्टेशन है, और क्यों नहीं होगा, यहाँ पे आमिर से शाहरुख ने अपनी आइकॉनिक मूवीज की शूटिंग की है। पर ऊटी इससे तो कहीं ज्यादा फेमस है मेरे नजर में। तो चलिए आज मेरे साथ इस मशहूर हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करने मेरे यूनिक नजरिए से, चलो लेट्स गो। ऊटी में बहुत सारे लोग बाय रोड आना प्रेफर करते हैं जो नेबरिंग स्टेट्स में रहते हैं। रोड्स की कंडीशंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो अभी मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा देता हूँ कि कौन से जगह से आपको कितना टाइम लगेगा और कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ऊटी पहुंचने। सो जब आप ऊटी जाओगे तो आपको ऑन द वे एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेगा जो काफ़ी रिलैक्सिंग और सूदिंग है। इसका नाम है पाइन फॉरेस्ट और इसकी एंट्री है ओनली 30 रुपीज़, और यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हैं 5:30 के पहले। और ध्यान रखें कि ऐसे टाइम पे आ जाए कि जहाँ पे लोग कम हो, तो आपको एब्सोल्यूट ये एंजॉय करने मिलेगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। पाइन फॉरेस्ट में बोले पाइन ट्रीज की खुशबू आ रही है, यहाँ पे एक पॉन्ड है, यहाँ पे हॉर्स राइड्स के चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, इट्स रियली अमेजिंग। एंड यहाँ पे आएंगे एकदम ही चिल वेदर है, ऊटी फुल आप एंजॉय कर पाओगे। तो ऊटी में जब आप आते हो तो आपको ढेर सारे पार्क्स मिलेंगे, और पार्क्स में आपको एक नया लेटेस्ट पार्क जो इधर बना है उसका नाम है कर्नाटका गार्डन। यहाँ पे भीड़ बहुत ही कम रहती है और पार्क बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पर अभी आप सोच रहे होंगे कि इस पार्क का नाम कर्नाटका गार्डन क्यों है, ये तो जगह आती है तमिलनाडु में। तो बात यह है कि एक ज़माने में ये पार्क का पूरा लैंड हुआ करता था अंडर द मैसूर किंगडम, और जैसे इंडिपेंडेंस हुआ, स्टेट लाइंस बने, तो ये तमिलनाडु में आ गया। पर आज भी ये दोनों स्टेट्स इस पार्क को मैनेज करती हैं, और इस पार्क में आपको ढेर सारी चीज़ें हैं करने के लिए, जैसे कि आपको एक भूल भुलैया यानी एक मेज़ है, पीछे आपको एक ग्लास हाउस है, यहाँ पे लगभग 50,000 पॉटेड प्लांट्स की वैरायटीज़ है, और बहुत सारी अलग अलग लैंडस्केपिंग की है। तो अगर चाहे आपको सुबह मॉर्निंग वॉक करनी हो या आपको ढेर सारे फोटोग्राफ्स लेने हो, कर्नाटका गार्डन में आपको ढेर सारी चीज़ें हैं करने के लिए, और बहुत सारे इंस्टाग्राम स्पॉट्स हैं, और एंट्री इसकी सिर्फ 50 रुपीज़ है। तो आप जब ऊटी में आएंगे तो इसे एक्सप्लोर करने भूलिए मत। एक बहुत ही अमेजिंग अट्रैक्शन जो इधर है, एक केबल स्टेट ब्रिज बनाई गई है जो पूरा पार्क का आपको पैनोरामिक व्यू भी देती है। सो आप जब इधर आते हो ये ब्रिज तो जरूर आइए, व्यू बहुत अमेजिंग और एपिक है यहाँ से। नेक्स्ट अगर आप चाहे तो ऊटी वन ऑफ दी मोस्ट फेमस डेस्टिनेशंस में जा सकते हो, जिसका नाम है ऊटी लेक। अगर आपको बोटिंग करने का शौक है तो आपको ऐसे दो चॉइसेस है, एक ऊटी लेक में है और दूसरा है पाइकरा लेक। दोनों बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ पे आपको स्पीड बोट से लेके आपको पेडल बोट सब मिल जाते हैं 250 रुपीज़ से लेके 800 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट में। ये बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है, और ऊटी में बोटिंग करना बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस रहता है, तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगा जब आप ऊटी में जाते हैं। पाइकरा या ऊटी लेक दोनों बढ़िया चॉइसेस हैं। आएंगे और चाय नहीं पिएंगे या चाय की फैक्ट्री की टूर नहीं करेंगे तो हो ही नहीं सकता ऐसा। तो आपको दो चीज में एक ही मैकाना नहीं लेके आया हूं। ऊटी में आपको जगह जगह ढेर सारे चाय के फैक्ट्रियां मिलेंगे, और ये वाले में जो मैं गया था उसकी खासियत ये है कि यहाँ पे आपको चाय आपके आंखों के सामने पूरा प्रोसेस होते हुए दिखेगा। साथ में यहाँ पे एक छोटा सा टी का म्यूजियम भी है, अलॉन्ग विद उसकी पूरी हिस्ट्री इंडिया में कैसे आई और आज कहाँ स्टैंड होता है। ये बहुत ही बढ़िया जगह है, मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि चाय एक्चुअली में प्रोसेस कैसा होता है। साथ में इसी फैक्ट्री में आपको एक चॉकलेट का भी छोटा सा डिवीजन मिलेगा, जहाँ पे आपको फ्रेश चॉकलेट आंखों के सामने हुए बनते हुए दिखेंगे। और साथ में जब ये टूर खत्म हो जाएगा तो एक बहुत ही बड़ा वहाँ पे आपको एरिया है जहाँ पे आप चॉकलेट्स, चाय की पत्तियाँ एज वेल एज बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स खरीद सकते हो, और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, क्वालिटी बहुत हाई थी। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप द टी फैक्ट्री को जरूर विजिट कीजिए ऊटी में। डे टू शुरू करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ऊटी में रहने का बंदोबस्त कहाँ किया था।
ऊटी में मैं जोस्टेल में ठहरा था और जोस्टेल की प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया है। ये सिटी सेंटर से बहुत ही पास है और इसका व्यू पॉइंट बहुत ही अमेजिंग है। एक छोटे से हिल के ऊपर है और आपको चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देती है। यहाँ के हॉस्टल में आपको डॉर्म रूम्स एज वेल एज प्राइवेट रूम्स मिलते हैं और प्राइस रेंज आपको 800 से 2000 रुपए के बीच में वेरी होती है। और ये एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है और मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा यहाँ पे स्टे करने के लिए जस्ट फॉर द व्यूज। इसके अलावा आपको और भी कोई ऑप्शंस चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्न हिल या एल्क हिल के एरियाज में भी आप बहुत सारे होटल रूम्स ढूंढ सकते हो, उधर भी आपको काफी मॉडरेटली प्राइस स्टे मिल जाएंगे। तो जब भी आप ऊटी आते हो तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन जो यहाँ का है, यहाँ की फेमस और आइकॉनिक टॉय ट्रेन जर्नी है जो आपको ऊटी से लेकर कुनूर लेके जाती है या कुनूर से ऊटी। तो आज ऐसी एक जर्नी मैं कवर करने के लिए आया हूँ कुनूर में और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ ऊटी की तरफ। तो आपको टिकट्स बुक करने हैं तो आप IRCTC के वेबसाइट से कर सकते हैं। टिकट की प्राइस फर्स्ट क्लास की है राउंड अबाउट 300-350 रुपए के बीच में और सेकेंड क्लास की उससे थोड़ी कम है। रूट बहुत ही ज़्यादा सीनिक है, ये नीलगिरी माउंटेन के थ्रू जाता है और टॉय ट्रेन का मज़ा ही कुछ और रहता है। मैंने इसके पहले एक बार मध्य प्रदेश में पाताल पानी वाला पकड़ा था और बहुत मज़ा आया था मुझे, आई स्वेयर। और ऐसा ही जर्नी आज मेरे साथ फिर से होने वाला है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। ये एक चीज़ है जब आप ऊटी में आते हो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो चलो लेट्स गो। तो इस ट्रेन में हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास का डब्बा बुक किया है वो कुछ ऐसा दिखता है। बेसिकली सीट्स यहाँ पे मतलब है, कुशन है और विंडोज भी है, बट मुझे नहीं लगता ज़्यादा ओपन होता है। ट्रेन जर्नी जब शुरू हो जाएगी तभी मैं आपको सही से बता पाऊँगा। मिलेगा ट्रेन की जर्नी शुरू हो गई है और इसका पूरा टाइम है 1 hour 20 minutes ऑलमोस्ट हमें पहुंचने के लिए लगेगा ऊटी। आई डोंट नो ये अगर अलग अलग जगह पर रुकने वाली है, बट द जर्नी दस फार इज ऑसम। बहुत ही मतलब देखिए पूरा क्लाइमेट एकदम ज़बरदस्त है एंड द सीन्स एंड द व्यूज आर अमेजिंग। ऊटी की ये टॉय ट्रेन इतनी फेमस और आइकॉनिक इसलिए है क्योंकि छैया छैया जो सॉन्ग है दिल से मूवी की शाहरुख खान और मलाइका अरोरा की इसी ट्रेन के ऊपर शूट हुई थी और इसी रूट पे। और मैं आपको बोल सकता हूँ विद गारंटी कि ये रूट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और सीनिक है और आपको ये टॉय ट्रेन की जर्नी ज़रूर करनी चाहिए एटलीस्ट एक बार अपने लाइफ में। सो फाइनली हम लोग की ये छोटी सी जर्नी जो थी यहाँ पे टॉय ट्रेन में खत्म हो गई है। इट वॉज रियली ब्यूटीफुल, जैसे आपने देखा बहुत मजा आया एंड आई हाईली रिकमेंड अगर आप ऊटी में आ रहे हो तो ये करने के लिए। टॉय ट्रेन की जर्नी खत्म करने के बाद बहुत जोरों की भूख लगी थी तो हम एक आइकॉनिक नॉनवेज रेस्टोरेंट पर आए थे जिसका नाम है जूनियर कुपन्ना। यहाँ की मटन बिरयानी एज वेल एज मटन डिशेस जो यहाँ के ऑथेंटिक लोकल स्टाइल में बनाई जाती है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलिशियस था। इसके अलावा अगर आपको वेजिटेरियन फूड खाना है तो मार्केट में ढेर सारे ऑप्शंस हैं, एज वेल एज आपको फास्ट फूड आउटलेट्स भी चाहिए तो KFC, पिज़्ज़ा हट ये सारी चीज़ें हैं उधर। और इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपको वहाँ पे शॉपिंग करना है तो मार्केट में चॉकलेट्स एज वेल एज कपड़े बहुत ही बढ़िया प्राइस पॉइंट में मिलती है। और अगर आपके पास कुछ दिन और हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर मधुमलाई टाइगर रिजर्व या बंदीपुर नेशनल पार्क भी विजिट करना है तो उधर भी जा सकते हो, यह भी एक मस्ट डू अट्रैक्शन है अगर आपके पास टाइम परमिट करता है तो। तो अभी जानते हैं कि आपको अगर ऊटी पहुंचना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन क्या है और सबसे क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको अगर ऊटी में इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन साइट सीइंग के लिए करना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्योंकि वहाँ पे बाइक रेंटल्स आपको अलाउड नहीं है, आपको कैब्स एज वेल एज शेयर टैक्सीज का ही ऑप्शंस है। तो उसका भी पूरा आपको ऑन स्क्रीन प्राइसिंग दिखा रहा हूँ मैं।
तो ये थी सारी वीडियो गाइस हमारी ऊटी की एक्सप्लोरेशन की। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर ऑन व्हाट्सएप एंड कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरीज। और अगर फैमिली के साथ नहीं जुड़े हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तभी तक मिलते हैं जल्द। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।